दोस्तों, अगर आप WhatsApp यूजर हैं तो आपको WhatsApp प्रोफाइल लगाते समय एक प्रॉब्लम हमेशा जरूर होती है। दोस्तों, आप वहां देखते होंगे कि आप अगर कोई प्रोफाइल पिक्चर फुल फोटो अगर लगाना चाहते हैं तो वहां पर आप देखते होंगे कि वहां पे आप अपना फुल प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगा पाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने WhatsApp में फुल प्रोफाइल पिक्चर बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार और स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल टेक्निकल बैकअप में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चले जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है व्हाट्स क्रॉप। तो दोस्तों, आप जैसे ही यहाँ पे व्हाट्स क्रॉप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये ऐप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों, इस ऐप को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे अभी इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये 13 MB का ऐप है और इसकी रेटिंग की बात की जाए तो इसमें बहुत अच्छी इसकी रेटिंग भी है। दोस्तों, अभी ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इसको ओपन करना है और इसमें आपको कुछ परमिशंस मांगेंगे, उनको भी आपको अलाउ कर देना है। तो दोस्तों, ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली से जाना है, फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ से सेलेक्ट अ फोटो आपको टिक करना है। अगर आप यहाँ से टेक अ फोटो यानी मोबाइल से अगर फोटो आप तुरंत लेना चाहते हैं वहाँ से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपनी गैलरी से सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट अ फोटो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आपके मोबाइल में जितने भी फोटोज होंगे ओपन हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अभी अपने एक मोबाइल का फोटो ले लेता हूँ जो मैंने एक थंबनेल बनाया था। तो दोस्तों, आप उसके बाद आपको कर देना है यहाँ पे डोंट शो अगेन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको कर देना है। पहली बार ये ऑप्शन आपको बताए कि कैसे कैसे आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यानी दो उंगली से आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे एडजस्ट पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं ओनली साइड, यहाँ पे क्रॉपिंग हो रहा है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे देख सकते हैं इस कई तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ऑप्शन, इसमें सर्कल में, ओवल में और स्टार में कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इसमें कोई फोटो लगा करके एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ और यहाँ पे इस तरह से आप कोई भी फोटो एडजस्ट इसमें कर सकते हैं। इस सर्कल में आपको एडजस्ट कर लेना है, उसके बाद आपको कर देना है सेव सेव और सेंड अ प्रोफाइल। तो इस पर आप जैसे ही सेंड अ प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आपको एक ऐड आएगा। दोस्तों, आपको इस ऐड को देख लेना है या फिर स्किप करने का आएगा तो यहाँ पे स्किप कर देना है, कट कर देना है। दोस्तों, उसके बाद आपको प्रोफाइल में जाना है, व्हाट्सएप में जाना है जिस पे व्हाट्सएप में सेव करना चाहते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है ये फुल फोटो आपको यहाँ पे लग चुका है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था वहाँ पे ये फुल फोटो सेव नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे फुल फोटो सेव हो रहा है। उसके बाद अगर जैसे ही यहाँ पे डन करेंगे तो दोस्तों, इस तरह से आपके व्हाट्सएप में फुल प्रोफाइल फोटो बहुत ही आसानी से सेव हो जाएंगे। दोस्तों, इस ऐप में आपको कई और सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि एडिट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बैकग्राउंड, वाइट शैडो और भी कई तरह के ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, वाइट बॉर्डर और यहाँ पे जैसे कि बैकग्राउंड ब्लर्ड। इस तरह से आप चाहें तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बैकग्राउंड कलर आपको कैसा रखना है, रेड रखना है तो रेड पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप में प्रोफाइल बहुत सारे कोई भी प्रोफाइल फुल फोटो बहुत ही आसानी से यहाँ पे लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको एडिट ऑप्शन में और भी कई सारे जैसे कि फोटो फ्रेम जैसे होते हैं वहाँ पे, आप फोटो फ्रेम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से फोटो फ्रेम ऑनलाइन लोड होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह के कई सारे फोटो फ्रेम्स आपके सामने दिख रहे हैं, इसमें से आप जैसा भी लेना चाहें वहाँ पे ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक सेट करके बता देता हूँ। तो चलिए, मैं कुछ अच्छा सा चूज कर लेता हूँ। तो इसमें से मुझे ये अच्छा लग रहा है समर का, तो इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे वहां पे वो बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये छोटा हो चुका है,
यानी बैकग्राउंड में आपका अगर छोटा फोटो है तो वहां पे आप इस तरह से स्लाइड करके वहां पे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बताना, साथ में अगर आपके कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, वहां पे मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे हमेशा ऐसे ही जेन्युइन वीडियोस हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।